हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं टू फोन्स का, जिसमें एक है हमारे पास नोकिया 6.1 प्लस, साथ ही हमारे पास जो दूसरा फ़ोन है वो J6 प्लस। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फ़ोन में हमारे लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा? इसके अलावा दोनों ही फ़ोन के जो प्राइस हैं वो अप्रॉक्स सेम ही हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग इस डाउट में कि कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा हमारे लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये चीज़ आपकी क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए ये इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोनों ही फोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पर हमें नोकिया X6 की जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो IPS LCD डिस्प्ले जो कि 5.8 इंच में मिल जाती है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 81.5%। साथ ही यहाँ पर हमें J6 प्लस की जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सुपर एमोल्ड 6.0 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसका भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 73.6%। साथ ही यहाँ पर J6 प्लस की जो डिस्प्ले मिलती है वो हमें HD में मिलती है, जो कि 720x1480 पिक्सल में है, जिसमें 274 PPI डेंसिटी भी मिल जाती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ नोकिया X6 की, तो यहाँ पर हमें फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि 1080x2280 पिक्सल है। यहाँ पर हमें 432 PPI डेंसिटी मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉडी की। तो यहाँ पर हमें जो नोकिया X6 की बॉडी मिलती है वो हमें फ्रंट प्लस बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन में मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमें जो इसका फ्रेम मिलता है वो एल्युमिनियम मेटल में मिलता है। यहीं अगर हम बात करें सैमसंग J6 प्लस की, तो यहाँ पर हमें जो बॉडी मिलती है वो पूरी तरह से प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरे की। तो यहाँ पर हमें J6 में जो कैमरा मिलता है वो रियर कैमरा 13+5 मेगापिक्सल मिलता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा हमें फ्रंट में भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम नोकिया X6 की बात करें, तो यहाँ पर हमें 16+5 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है, साथ ही यहाँ पर जो हमें फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नोकिया X6 की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर हमें 2160 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो कि 4K अल्ट्रा HD है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो J6 प्लस में वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वो 1080 पिक्सल की वीडियो मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हम दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरे के मामले में यहाँ पर X6 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमें X6 के अंदर 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जबकि यहाँ पर हमें J6 के अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रैम और इंटरनल मेमोरी की, तो यहाँ पर हमें J6 प्लस के अंदर 4GB रैम और 3GB रैम के फ़ोन मिल जाते हैं, जिसमें 3GB रैम वाले फ़ोन में 32GB हमें इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें 4GB रैम वाले फ़ोन में 64GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। और यहीं अगर हम बात करें नोकिया X6 की, तो यहाँ पर भी हमें 2 वेरियंट मिल जाते हैं, 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल मेमोरी। इसके अलावा यहाँ पर हमें 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर हमें J6 प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 425 का क्वेड कोर 1.4 GHz प्रोसेसर मिल जाता है। इसके अलावा यहीं हमें नोकिया X6 में स्नैपड्रैगन का 636 का ऑक्टा कोर 1.8 GHz प्रोसेसर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रोसेसर की बात की जाए, तो यहाँ पर X6 के अंदर हमें बेटर प्रोसेसर मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की बैटरी की। तो यहाँ पर हमें J6 प्लस के अंदर 3300 mAh की लॉयन बैटरी मिल जाती है जो कि नॉन रिमूवेबल है। इसके अलावा नोकिया X6 के अंदर 3060 mAh की लॉयन बैटरी जो कि नॉन रिमूवेबल है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें बैटरी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सैमसंग के J6 प्लस में। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो J6 प्लस के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में माउंटेड मिलता है, साथ ही अगर हम बात करें नोकिया के X6 की, तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो रियर में माउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट J6 प्लस का थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आया है और इसको आप अपने राइट थंब से ही अनलॉक कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के USB पोर्ट की। तो यहाँ पर हमें J6 प्लस के अंदर वही ओल्ड हमारा माइक्रो USB 2.0 वाला पोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहीं हमें नोकिया X6 के अंदर Type-C वाला पोर्ट मिल जाता है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी मुझे सैमसंग के J6 प्लस से नोकिया का 6.1 प्लस बेटर लगा।
और हम लास्ट में बात करेंगे दोनों ही फ़ोन के एंड्रॉयड वर्ज़न की। तो यहाँ पर हमें दोनों ही फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 8.1 ओरियो वर्ज़न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नोकिया का X6 प्लस है ये हमारा एंड्रॉयड 1 का प्योर एंड्रॉयड फ़ोन है और इसमें हमें 3 कन्फर्म बिग अपडेट मिलने वाली हैं। जैसे कि अभी आप इसको 9.0 पाई एंड्रॉयड वर्ज़न में अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर कुछ और भी बिग अपडेट मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि J6 प्लस में कोई अपडेट नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नोकिया X6 एक एंड्रॉयड 1 का फ़ोन है तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन में वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक प्योर एंड्रॉयड 1 का स्टॉक रोम मिल जाता है। सो आफ्टर ऑल मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं जो कि एक फ़ोन में है तो उसके सामने वाले फ़ोन में नहीं है। जैसे कि J6 प्लस में बिग डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट साइड में माउंट होता है, बैटरी 3300 mAh की है, डुअल सिम कार्ड प्लस SD कार्ड के लिए भी अलग से स्लॉट दिया हुआ है। इसके अलावा नोकिया 6.1 प्लस में फुल HD डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन का 636 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, नोच डिस्प्ले है इसमें, अमेजिंग लुक है क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड ग्लासेस हैं, गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें फ्रंट एंड रियर कैमरा 16 MP है, साथ ही इसमें एंड्रॉयड 1 का स्टॉक रोम है, टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, डुअल 4G सिम कार्ड को भी सपोर्ट करता है। हो सकता है मुझसे एक दो चीजें इसमें छूट गई हों, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फोन में, जबकि प्राइस अप्रॉक्स सेम ही है। और सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये वीडियो एक दो दिन पहले बनाया था तो उस टाइम पे J6 प्लस और नोकिया 6.1 प्लस दोनों के ही प्राइस सेम थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या हुआ है, नोकिया 6.1 प्लस में 1000 रुपीज बढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है ये आने वाले टाइम में एक दो दिन में ये दोनों फिर से सिमिलर हो जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी दोनों फोनों में डिफरेंस है वो आप सामने देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, मैंने भी आपको सब कुछ बता दिया। इसके बाद आपकी चॉइस रहेगी कि अब आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं। जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से तो नोकिया 6.1 प्लस अगर हम लेते हैं तो वही बेटर रहेगा, बाकी आप चाहें तो सैमसंग J6 प्लस भी ले सकते हैं। तो दोनों ही फ़ोनों में से अगर आप कोई सा भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही फ़ोन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके भी आप दोनों को परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।